दोस्तों सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गाइडर अकेडमी में। तो दोस्तों, जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, तो उसमें आज हमारा यूथ कंपटीशन का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। सामान्य हिंदी प्रश्न संख्या 1 से 5। 1 से 5 में दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। गद्यांश दिया गया है, शनि क्रमानुसार सौर मंडल का छठा ग्रह है। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है, लगभग उतना ही बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियां समा सकती हैं, परंतु इस ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है। कारण यह है कि शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व बहुत ही कम है, यानी पानी से भी कम। अतः शनि ग्रह को पानी के किसी बहुत बड़े महासागर में डालना संभव हो तो यह उसमें डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लग जाएगा। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है, ठीक है। ये था गद्यांश। अब देखते हैं इसके आंसर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो शनि बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में परिक्रमा करता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये दिया लगभग उतना ही बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है, ठीक है। ये लिखा है, यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व कम है, तो किससे कम है? पानी से भी कम है। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड कौन सा है? तो वो शनि ही है, ठीक है। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि में समा सकती हैं कितनी? तो 750 पृथ्वियां शनि में समा सकती हैं। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सौर मंडल में शनि का क्रम कौन सा है? तो सौर मंडल में शनि का क्रम है छठा, ठीक है। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा कि निम्न में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। तो जो प्रसिद्ध छायावादी लेखक हैं वो महादेवी वर्मा हैं, प्रसिद्ध छायावादी लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, सभी को पता होगा, ठीक है। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियां सुने रूखी। तो ये सूरदास द्वारा रचित पद्यांश है, तो इसमें जो रस की बात की गई है तो इसमें वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। आंसर भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये सूरदास का जो है, ये सूरदास का पद्यांश है, सूर सागर से लिया गया है और ये गोपियों की विरह की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है? तो हम लोगों को पता है दोहा के विपरीत जो छंद होता है वो कौन सा होता है। देखिए दोहा अर्धसमात्रिक छंद होता है, ठीक है। इसमें पहले और तीसरे यानी कि जो विषम चरण होते हैं पहले तीसरे में 13-13। देखो ऐसे ध्यान रखो कि जब 13 दिया गया है, दोहा को याद करिए, दोहा में पहले और तीसरे विषम है, तो पहले तीसरे में कितनी है? 3 और 13। 3 का 13 होना मुहावरा सुना है, उसी के हिसाब से देख लीजिए। पहले तीसरे में 13-13, ठीक, और दूसरे चौथे में 11-11। तो दोहा का उल्टा होता है सोरठा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर बी से सी सही हो जाएगा। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। तो ऐसे याद करिए, तो जब दोहे में 1 और 3 में जब 13-13 होती हैं, तो सोरठा में 1 और 3 में 11-11 होती हैं और 2 और 4 में 13-13 होती हैं, ठीक। ऐसे चौपाई में पता ही है, चौपाई में कितनी होती हैं? 16 मात्राएँ होती हैं, ठीक है। चौपाई में कितनी होती हैं? 16 मात्राएँ होती हैं, सही है। और जो रोला होता है, रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं।
आगे है हमारा अगला क्वेश्चन है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। तो फिरकी सी यानी कि एक चीज ध्यान रखिए, जिसमें सा सी से आए, हमने बताया था सा सी से समान, वो कौन सा होता है? ठीक है, वो अलंकार होता है हमारा उपमा। ठीक है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, ठीक है, जिसमें सा सी से, ठीक है, ये जो दिए रहते हैं और समान दिया रहता है, वो कौन सा होता है? हमारा उपमा अलंकार होता है। ठीक, आगे अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान जो है, घा किस में आता है? का वर्ग में आता है। जब का वर्ग में आएगा तो का का क्या होता है? का का होता है कंठ। का किस वर्ग में आता है? का आता है कंठ वर्ग में। ठीक है, तो घा किस उच्चारण है? कंठ का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? देखो सीधी सी बात है, जो बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है, दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे गजानन, ठीक, पीताम्बर, दशानन, ठीक है, यानी कि दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, ठीक है, गजानन गज के समान जिसका मुख है वो कौन है? गणेश जी। ठीक, इस तरह के द्वंद में ये पहचान इसकी, ये दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक का चिन्ह होता है। ठीक, माता पिता भाई बहन, ठीक है, ये होता है। तत्पुरुष में, तत्पुरुष में ये तो मालूम ही है कि जो कारक चिन्हों का बोध होता है इसमें तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण की बात की गई है तो कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण जो है वो हमारी कौन सी ध्वनि हो जाएगी? जो ता है, ता, वो अल्प प्राण है। हर वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन, पहला तीसरा पांचवा व्यंजन जो होता है वो कौन सा होता है? अल्प प्राण होता है। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा, हर वर्ग का पहला तीसरा, जैसे इसमें का वर्ग का खा है तो पहला अगर का होता तो वो अल्प प्राण हो जाता है। ठीक है, तीसरा खा का खा गा गा अल्प प्राण हो जाएगा, इसी तरह से। ठीक है, पहला तीसरा पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, इसमें कौन सा अनुप्रास है? देखिए अनुप्रास की बात की गई, अनुप्रास पूछ लिया गया है, कौन सा अनुप्रास है? ठीक, जहां शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति समान हो और उसका अर्थ भी एक ही हो, ठीक है, केवल उसका तात्पर्य बदल जाए, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ लटा अनुप्रास होता है। कौन सा? लटा अनुप्रास होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? सादृश्य मूलक अलंकार की बात की गई है, सादृश्य मूलक अलंकार होते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है, और ये जो विशेषशक्ति है, विशेषशक्ति, ये सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये जो होते हैं ये सादृश्य मूलक अलंकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना है? तो दिनकर की जो रचना है वो कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो है मृगनयनी, सॉरी नहीं है, मृगनयनी, ठीक है, जो नहीं है वो मृगनयनी, ये उर्वशी कुरुक्षेत्र रश्मि रचती है, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तिरंगा शब्द में समास है, तिरंगा में हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास तो पता होगा संख्यावाचक होता है, ठीक है, जिसमें संख्या का बोध होता है वो द्विगु समास होता है। ठीक, सीधी सी बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है? किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार? तो इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्रमा है, यह चंद्र नहीं मुख है, तो यह चंद्र नहीं मुख है। तो जहाँ उपमेय उपमान का निषेध होता है, आरोप होता है, यह चंद्र नहीं मुख है, ठीक है, आरोप होता है, ठीक, वहाँ क्या होता है? अपहनुति अलंकार होता है, यह चंद्र नहीं मुख है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधा का तत्सम रूप क्या है? तो गधा का तत्सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा गर्दभ, गर्दभ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम सेम लिखे हैं, ठीक है, बी और डी सेम सेम लिखे हैं, ठीक, अगर सेम हो तो चाहे किसमें भी मार दीजिए, ये गर्दब होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, अलंकेश जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? ठीक, तो अलंकेश जो होता है वो कुबेर का पर्यायवाची शब्द होता है, किसका? कुबेर का पर्यायवाची होता है अलंकेश, और कुबेर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो कुबेर के पर्यायवाची हैं, होते हैं, कुबेर का अलंकेश हो गया, धनपाल हो गया, धनेश हो गया, धनपति हो गया, और धन, यानी कि जो धा वाले ज़्यादातर होते हैं, ठीक है, वो कुबेर के होते हैं। अब इसमें अलंकेश दे दिया, अब ये किन्नरेश होता है, राजराज होता है, यक्षराज होता है, नृपराज होता है, तो ये धा वाले और राज वाले ये कुबेर के होते हैं, ठीक, ऐसे ध्यान कर लीजिए। नेक्स्ट आएगा हमारा, वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। देखिए क्या है, भगवान को व्यर्थ यानी बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, भगवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, तो उसमें क्या होगा? बेकार में, धनवान को व्यर्थ में यानी कि बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, देकर इसी वाला है, व्यर्थ में बेकार में सहायता, तो इसमें जो हो जाएगा बेकार शब्द है ना, बेकार, ये गलत है, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता, सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, ठीक है, तो ये बी वाला है, जो बी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या कहते हैं? तो जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन, ठीक है, आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं, और जिसके पास कुछ करने की क्षमता ना हो उसे हम कहेंगे अक्षम, कुछ करने की क्षमता जिसके पास नहीं उसे अक्षम कहते हैं, अज्ञ, अज्ञ का जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, और जो करने में यानी कि जिसमें सामर्थ नहीं होती उसे कहते हैं असमर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित पद में से कौन सा बया प्रत्यय लगाने से बना है? बया प्रत्यय लगाने से, देखो ये जो खाना है, खाना खाया जाता है, तो खाने वाला क्या हो जाएगा? खबैया, बैया लगाओगे तभी तो होगा, खा एक क्रिया है, खाना, ठीक है, तो खबैया, तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक। अब इसमें अय्या प्रत्यय लगाया, रबैया, डटैया, बचैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृधन अनुमति में सही संधि पद क्या है? तो पितृअनुमति कौन सा हो जाएगा? पितृधन अनुमति में कौन सा हो जाएगा? पितृअनुमति, आंसर हमारा सी सही होगा, पितृअनुमति, ठीक है, पितृधन अनुमति, तो इसमें कौन सा संधि होती है? यण संधि, पितृधन अनुमति यण संधि होगी, ठीक। यदि ई ई उ रिर के बाद अगर भिन्न स्वर आता है, यानी कि ई और ई का या हो जाता है, उ और उ का वा हो जाता है, और रिर का रा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तिका का तद्भव क्या है? तो भैया वर्तिका का तद्भव क्या होगा? वर्तिका का होता है बाति, आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई, इनके बीच यार अलावा यानी कि जो इसको उचित क्रम में लगाना है। देखिए जिस प्रकार, ऐसे लिखिए, जिस प्रकार मनुष्य का धैर्य, जिस प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का दहकना है, उसी प्रकार अग्नि का धर्म पर्याय होना चाहिए। ऐसे लिखिए, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। देखिए इसमें क्या बन रहा है कि जिस प्रकार, ठीक, अग्नि का धर्म यानी कि वा अग्नि का धर्म, ये 1 नंबर हो गया। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना, 2, दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर जो हमारा है वो सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, चाकू का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो चाकू का बहुवचन होगा चाकुओं, ठीक है, चाकुएं नहीं है ना, चाकू, चाकुओं हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। बी सर, चाकू शब्द का बहुवचन चाकुओं, एक मिनट भाई, चाकू का चाकू, क्योंकि ये चाकू अकारांत पुल्लिंग है, तो देखिए अकारांत जो पुल्लिंग है ना, तो इसका अकारांत होता है, आकारांत होता है, इकारांत होता है, तो इनका जो पुल्लिंग होता है वो एक वचन और बहुवचन ये दोनों समान होते हैं, तो इसका चाकू का बहुवचन होगा नहीं, चाकू का चाकू ही रहेगा बहुवचन, ऑप्शन हमारा डी ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रम शब्द का विलोम क्या है, परिश्रम शब्द का विलोम पूछा गया है, तो परिश्रम शब्द का विलोम होगा विश्राम, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अधीर विहारी, इन पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है। देखिए छंद का प्रयोग पूछा गया है, तो किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो ये क्या है, द्रवंश दशरथ अधीर विहारी, यानी कि ये चौपाई छंद है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अधीर विहारी, चौपाई छंद, इसमें क्या होता है, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, जो क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक वो कौन सा होता है, तो वो कारक होता है अधिकरण कारक, ठीक, अधिकरण कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा ठाकुराइन, ठाकुराइन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि है, सीधी सी बात, ठीक है, जगन्नाथ में व्यंजन संधि, इसका संधि विच्छेद होगा जगत धन नाथ, ठीक है, जगत धन नाथ। यदि किसी वर्ग के पहले बड़ का चा टा ता पा, ठीक है, इसका वर्ण, इसका मेल होता है किसी अनुनासिक वर्ण, जैसे ना हो गया, माँ हो गया, इससे अगर होता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का क्या होता है, पांचवां वर्ण आ जाता है, जैसे यहाँ वाणा नामा, ये पांचवें वर्ग होते हैं, अनुनासिक होते हैं, तो यही हो जाते हैं, जैसे, ठीक है, जगत जगत गन्नाथ जगन्नाथ, ठीक है, पांचवां वर्ण है ना ये। अब जैसे मान लीजिए चिन्मय, तो चित्त धनमय, ठीक, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है, कर्मधारय समास की बात की गई है, तो कर्मधारय समास जो है ना वो किसमें है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा हमारा, देखिए कर्मधारय समास की पहली परिभाषा क्या है, तो जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है, और उत्तर पद बाद वाला पद होता है वो विशेष्य होता है, ठीक है, विशेषण यानी कि जो विशेषता बताता है, ठीक है, विशेषण यानी कि जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो देखिए इसमें क्या है, चक्रपाणी ये तो बहुरी हो जाएगा, चतुर्युगम ये द्विग हो जाता है, माता पिता ये द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है, नीलोत्पल है ना, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। कैसे,
इसमें नीला दिया गया है, नीलोत्पलम, ठीक है, नीलोत्पलम, नीलोत्पल होता है उसकी जो विशेषता बताता है उत्पल की, ठीक। तो इस तरह से कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढ़की को जुकाम होने का अर्थ क्या है? मेढ़की को जुकाम होना यानी कि बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग होने का नखरा। तो मेढ़की को जुकाम होने का मतलब ये है कि बिना योग्यता के योग होने का नखरा, ठीक है। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियुत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? प्रियुत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो? देखो उत्पन्न, तो प्रयुक्त प्रत्युत्पन्न है ना, प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न में कौन सा हो जाएगा? तो प्रत्युत्पन्न में हो जाएगा बी वाला, ठीक है। कौन सा? बी वाला, प्रत्युत्पन्न। उत्पन्न तो लिखा ही जाता है उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न लिखते हैं और उसमें प्रति और लगा दीजिए तो प्रत्युत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्द सही शब्द छांटिए। सही शब्द, देखो ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको सही से कभी गलत मत करना। कवयित्री, ठीक है, कवयित्री लिखा जाता है सही, ऐसे कवयित्री लिखा जाता है, ना कि ये सब गलत लिखे हैं, ठीक। कवयित्री, यहाँ पर छोटी की मात्रा लगती है, ठीक, और का व दोनों छोटे होते हैं, इन पर कोई मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है कि बात की गई है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, मैं जा रहा हूँ, ये भी सही है, ये भी सही है, मुझे ये काम संभव नहीं, ये भी सही है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, ये वाला गलत है, ठीक है। बड़ा दुख हुआ यानी कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, ठीक, ये गलत है, बड़ा दुख थोड़ी होगा, हमें बहुत दुख हुआ है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप सामान्य जानकारी के क्वेश्चन दिए गए हैं तो उनको हम देखते हैं। सामान्य जानकारी का क्वेश्चन है हमारा, जीएस का क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये हमने यूपी स्पेशल में भी पढ़ाया है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो वो बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान, सॉरी, विजय सागर पक्षी विहार जो है वो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो जो विजय सागर पक्षी विहार है वो महोबा जिले में स्थित है, ठीक है, कहाँ है? महोबा में। यह एक पक्षी अभयारण्य है जिसका विजय सागर ये झील के किनारे है, तभी इसका नाम रखा गया विजय सागर पक्षी विहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है ये मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है, ठीक है, लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के जनपद दिए गए और अधिकतम न्यूनतम क्षेत्र दिया गया है। तो लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है, बिल्कुल ये सही है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, ये भी सही है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक आच्छादित क्षेत्रफल, संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। तो ये जो 42वां है सी वाला, ठीक है, ये वाला हमारा 42वां का सी वाला ये है न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, ये गलत है फिर, ठीक। सीतापुर है न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? संत रविदास नगर, सीताफल तो वो, सीतापुर तो अनुसूचित जनजाति वाला, सॉरी अनुसूचित जाति वाला है, जनसंख्या वाला है जिला, इसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जन सॉरी अनुसूचित जाति इसमें है, किसमें? सीतापुर में, ठीक है। तो ये उच्च न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल ये नहीं होगा। न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो हापुड़ आता है, ठीक, हापुड़ है सबसे छोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक सॉरी उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया है? देखिए ये क्वेश्चन फिर हमने पढ़ाया था, उसमें यूपी स्पेशल में पढ़ाया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार, ये जो रूमी दरवाजा है इससे लिया गया है, जुड़वा मछली का राज चिन्ह रूमी दरवाजा से लिया गया है, ठीक है। रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा कहाँ है? रूमी दरवाजा ये लखनऊ में है, ठीक है,
जिसका निर्माण किसने कराया था? नवाब आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जून 2023 में किस राज्य में प्रसिद्ध बिहू कुहू महोत्सव मनाया गया? तो बिहू कुहू महोत्सव जो मनाया गया, देखिए बिहू कुहू, बिहू वैसे कहाँ का है नृत्य? बिहू है वो असम का है। ठीक है, असम के पास में है सभी, लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, इसमें बिहू और कुहू महोत्सव, बिहू कुहू महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लिए स्पेस एक्स ने सतरिया वन नामक संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? ठीक है, सैटरिया वन नामक संचार उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया इंडोनेशिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया? ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर जो है वो है, पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक, आंसर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो वर्ष हुआ था। देखिए भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के मगध के पहले शासक कौन थे? तो हर्यक वंश मगध के पहले शासक थे बिंबिसार। ठीक है, ये कब बैठे थे मगध की गद्दी पर? 492 ईसा पूर्व में बैठे थे। ठीक है, मगध की गद्दी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन सा राज्यपाल था? तो वो गयासुद्दीन तुगलक था राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया? तो मॉन्टफोर्ड सुधार प्रस्तुत किया गया ये 1918 में। ठीक है, 1918 में, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1918 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और 1919 में यह लागू हुआ था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच समझौता हुआ था? तो 1932 का जो पूना पैक्ट था उसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो श्वेत पर्वत के नाम से किसको जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से जानते हैं धौलागिरी को। ठीक है, धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जानते हैं। ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। ठीक है, और ये धौलागिरी है कहाँ? ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वांग और ल्यासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? त्वांग और ल्यासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो त्वांग और ल्यासा को जोड़ने वाला दर्रा जो है बुमला दर्रा है। कौन सा? बुमला दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है, बोमडिला इसको कहते हैं, बोमडिला यांग्याप दिफू। ठीक है, इधर और ल्यासा त्वांग, इनको आपस में जोड़ने वाले, त्वांग और ल्यासा को जोड़ने वाला है बुमडिला दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील की बात की गई है, तो लंबी झील है वो वेम्बनाड झील है, सॉरी कौन सी झील है? वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील ये स्थित कहाँ है? तो ये भारत में कहाँ स्थित है? ये जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और अगर वैसे बात की जाए तो वैसे जो पैंगोंग झील है ना, ये सबसे बड़ी है, लेकिन ये भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक, पैंगोंग झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है? तो गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच जो जल क्षेत्रों को पृथक करता है वो
वो क्या है? तो वो है अंबाला, ठीक है। गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच में जो क्षेत्र है, जो जल को पृथक करता है, वो अंबाला शहर बसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन की बात की गई है, तो ये जो है ना, ये सामुदायिक निकाय है, सामुदायिक निकाय है, दामोदर घाटी निगम अधिनियम है ये, दामोदर घाटी नियम अधिनियम ये 1948 में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का 10वां अधिवेशन जो था, वो 6 से 17 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था, ठीक। और भारत के संविधान के निर्माण में बैठकें कितनी हुई, यानी कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए हैं, ठीक है। कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा 11 दिसंबर 1946 को। 11वां अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और 12वां हुआ था 24 जनवरी 1950 को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये जो सुरक्षा किससे संबंधित है, देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रहे हैं। तो ऑप्शन में ये दे रहे हैं, तो ये जो 48A है ना, 48 का ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो हैं, उसमें क्या आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, ठीक है। इसी में जो 48A बनाया गया है अनुच्छेद, वो पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनकी संख्या की बात की गई, तो वो 20 होती है। कितनी संख्या होती है? 20। जब विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है, ठीक। तारांकित प्रश्न कौन से प्रश्न होते हैं? तारांकित प्रश्न वो होते हैं, यानी कि मौखिक, जो सदन में तुरंत उनका उत्तर मिलना चाहिए, ठीक है, मौखिक रूप से तुरंत दे दिया जाए, वो तारांकित प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा है विधान परिषद की सदस्यता के लिए 30 वर्ष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध है, वित्त आयोग के बारे में, लोकसभा आयोग के बारे में, योजना आयोग के बारे में कोई उपबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा है? टैक्सेस ऑन सर्विसेज, ठीक है। तो टैक्सेस ऑन सर्विसेज ये जोड़ा गया है 88वें संविधान संशोधन में, ठीक। ये क्या जोड़ा गया? ये 7वीं अनुसूची के संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया है, ठीक है। वो क्या है? सेवाओं पर कर। क्या जोड़ा गया? टैक्सेस ऑन सर्विसेज, यानी सेवाओं पर कर जोड़ा गया है, ठीक। इसमें कितने हैं इस संघ सूची में? इसमें 15 विषय हैं जिन पर संसद को कर लगाने का विशेष अधिकार भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, वो संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो वो संसद की जो समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है, उससे जुड़ा होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी के दायरे में के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग, ठीक, जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो उन्हें वर्गीकृत किया गया है बिलोडन गरीब, जिसमें बिलोडन गरीब के में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है, क्या कहलाती है? वह दर जिस पर आरबीआई, जब आरबीआई उधार देती है तो वो क्या कहते हैं? वो रेपो दर होता है, यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनको जब आरबीआई उधार देती है, ठीक है, तो वो रेपो दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 जुलाई 1969 ईस्वी में, ठीक, 1969 ईस्वी में, नहीं सॉरी, 19 जुलाई 1969 ईस्वी में इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का हुआ था। इसके बाद में 6 बैंकों का कब हुआ? 6 बैंकों का हुआ था 1980 ईस्वी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को रियायती मूल्य पर खाद्य धान्य मिलता है जी, वर्ष 1997 से पीडीएस लक्षित उपभोक्ताओं के लिए टीपीडीएस बन गया है। पीडीएस की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम के रूप में की गई थी। देश में पीडीएस को 2007 से बंद कर दिया गया है। नहीं, ये गलत है, 2007 से बंद नहीं किया गया है, ठीक है, ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा, 2007 से इसको बंद नहीं किया गया, ये अभी भी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम योजना है, ग्रामोदय योजना है, गुरुकुल योजना है, या प्रधानमंत्री गरीब योजना है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, पीएमजीवाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संपादक कवित्री विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इनको दिया गया था असमिया, ठीक है, असमिया के, असमिया भाषा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इंदिरा गोस्वामी को असमिया भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डकवर्थ लुईस स्टर्न, ये तो सभी को पता होगा लगभग, डकवर्थ लुईस स्टर्न जो है डीएलएस प्रणाली है वो किसके लिए है? वो है क्रिकेट के लिए, ठीक है, जब क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है, एक टीम खेल आती है, पानी पानी बरसने लगता है या कोई समस्या हो जाती है, कुल मिला के पानी बरसता है तभी ये समस्या उत्पन्न होती है, तो फिर डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से विजेता घोषित की जाती है कोई भी टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु गोलक का आविष्कार किसने किया था? लघु गोलक का आविष्कार किसने किया था? तो लघु गोलक का आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने, ठीक है, किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, रूस की येन ये गलत है, पहली बात ये गलत हो गई। रूस की क्या होती है? रूबल होती है। भूटान की पेसो नहीं होती है, ये पेसो होती है मैक्सिको की, ठीक है, भूटान की क्या है? टका नहीं, भूटान की निगुल्ट्रम है, बांग्लादेश की टका है, निगुल्ट्रम है। चीन की रूबल नहीं है, चीन की क्या है? चीन की है युआन, ठीक, ये रूबल रूस की है। म्यांमार की क्या था? ये सही है, ठीक है, म्यांमार की क्या था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। नेक्स्ट सॉरी, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की वियना है।
और ऑस्ट्रिया की अगर मुद्रा की बात की जाए तो इसकी मुद्रा जो है वो शिलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोमीटर का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? सिस्मोमीटर की बात की गई तो सिस्मोमीटर का आविष्कार किया गया था लुईगी पल्मेरी के द्वारा, लुईगी पल्मेरी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे क्वेश्चन, जीएस और हिंदी के क्वेश्चन थे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी देखा होगा, इसमें कुल मिला के PYQ के क्वेश्चन दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, और बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बने रहिए शुरू से आखिरी तक, पूरा देखिए प्रैक्टिस सेट ये हमारा हिंदी और GS का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।